बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम पाकिस्तान। आज मैं आपको कढ़ाई गोश्त बनाना सिखा रहा हूँ, जो बहुत ही आसान और मज़े का है। आइए आप कढ़ाई गोश्त की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज मैं आपको सिंपल कढ़ाई बनाना बताऊंगा। ये हमने बड़ा गोश्त ले लिया 1 किलो, और हमने प्याज कटी हुई ले लिए 1 अदद, टमाटर कटे हुए ले लिए, नमक है, सुर्ख मिर्चें साबुत और लाल मिर्चें कुटी हुई है, ये सूखा धनिया है, हल्दी है, और ये अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले हम इसको गोश्त ऐड कर लिया है, इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। पेस्ट हम डालेंगे तकरीबन 3 चम्मच, मसाले डालेंगे सारे, टमाटर डालेंगे, प्याज डाल देंगे। अब इसको हम अच्छी तरह हिला के इसके ऊपर ढक्कन दे के बंद करके रख देंगे। इसके गोश्त के ही पानी से ये पक जाएगा। तकरीबन आधा घंटा हम हल्की आंच में रखेंगे। मैं ये तो कर दो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये गोश्त हमारा तैयार हो गया तकरीबन, और इसमें हम अब थोड़ा सा घी डाल के भून लेंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। ये हमारा कढ़ाई गोश्त तैयार हो गया। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा, और हरा धनिया डालेंगे, अब हम इसे डिश में डाल रहे हैं। ये मज़े का कढ़ाई गोश्त बन गया, आप भी ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।